بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आज वो अजीम शान दिन है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मासूम बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के लिए उनको ज़मीन पर लिटाया था और अल्लाह के सामने उनको कुर्बान करने के लिए पेश किया था। मगर अल्लाह तबारक व तआला वो सिर्फ अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको कुर्बान करने के लिए ले जाया गया था उनकी कुर्बानी को कबूल करते हुए उनकी बजाय जन्नत से दुम्बे को भेजा जिसकी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी के अमल को इतना पसंद फरमाया कि उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जितने अंबिया पैदा हुए और बनी इसराइल के जितने नबी पैदा हुए उन तमाम पर भी इस कुर्बानी को वाजिब करार दे दिया और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि सब लोग कुर्बानी किया करो। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। पिछले जुमा को मैं कुर्बानी के मसाइल तफसील से बता चुका हूँ कि कुर्बानी कैसे जानवर की देना चाहिए, कुर्बानी में जानवर की उम्र कितनी होना चाहिए, जानवर में कोई ऐब या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी थी। लेकिन आज जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं इस ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के ऊपर बड़े जानवर की जो पाबंदी लगा दी है उसकी वजह से लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो आज कुर्बानी से महरूम हो चुके हैं और लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे जानवरों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो साल भर बकरों की, बैलों की, गायों की परवरिश किया करते थे ये उम्मीद पर कि कुर्बानी का जब मौका आएगा तो हम उसको बेचेंगे, उससे हमको दो पैसे का फायदा होगा। मगर वो तमाम लोग आज परेशान हाल है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर गाय पर पाबंदी लगा दी और गाय की नस्ल के जो दूसरे जानवर है जैसे बछड़ा है, बैल है, उनके ज़बीहे के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से आज लाखों मुसलमान कुर्बानी से महरूम हुए ही। उनके अलावा वो बेचारे लाखों किसान भी रोजी रोजगार से महरूम हो गए जो कुर्बानी का इंतज़ार किया करते थे। और अगर सही देखा जाए तो ये सरासर लोगों के ऊपर जुल्म है। हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान,
इसे एक जमहूरी मुल्क कहा जाता है, ये एक लोकतंत्र है, लोकशाही जिसे कहते हैं, जहां पे आवाम की हुकूमत चलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, मगर वो सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है। आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनल मुल्क है कि यहां पर नाम तो सेक्युलरिज्म का लिया जाता है, लेकिन सारे काम जो है वो जातिवाद के नाम पर होते हैं। चारों तरफ पानी की तकलीफ है, परेशानी है। अब आप देखेंगे कि जब गैरों के त्योहार होते हैं, गैरों के प्रोग्राम होते हैं, उस पीरियड में रोजाना पानी छोड़ा जाता है। और आज मुसलमानों की ईद का दिन है। चलो मैं मानता हूं जब ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो फिर आज नल क्यों नहीं छोड़ेगा? मुसलमानों की ईद के मौके पर भी गवर्नमेंट का काम था कि वो दो दिन तक नल छोड़े, पानी छोड़े, मगर नहीं। फिर किस हिसाब से तुम अपने आप को जो है लोकशाही कहते हैं, सेक्युलरिज्म कहते हैं? आप देखो जब ये गणपति वगैरह जब बैठता है, तो हमारे गांव तरफ देखा हूं मैंने, गांव खेड़ों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, अभी भी होती है। रात में लाइट नहीं रहती थी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, मगर जैसी गणपति का पीरियड आया तो 15 दिन तक वो लोड शेडिंग बंद हो जाती। कंटिन्यू 24 घंटे बिजली पावर जो है आपको सप्लाई किया जाता था, लोगों को तकलीफ ना हो बोल के। जब दिवाली का मौका आता है, वो टाइम पे कंटिन्यू 8-10 दिन जो है बिजली सप्लाई की जाती है, पावर सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आती। तो जब ये सेक्युलर मुल्क है, लोकतंत्र है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि फिर मुसलमानों के ईद के मौके पर नलों के अंदर रोजाना पानी क्यों नहीं छोड़ा गया? ईद के मौके पर तो अभी 3 दिन ईद चलेंगी, मुसलमानों को गोश्त धोना है, जानवरों को पानी पिलाना है। जब तुम्हारे ईद का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो कम से कम मुसलमानों का भी तो ख्याल रखना चाहिए कि ईद के मौके पर कंटिन्यू 2-3 दिन पानी को छोड़ा जाए, ताकि मुसलमानों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। मगर नहीं, फिर नाम किस हिसाब से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी तरीके से दूसरी चीजों में भी अगर आप देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अभी 8-10 दिन पहले की बात है, एक बाबा है, वो योगा सिखाते हैं लोगों को। एक बाबा है, उसका नाम मैं मस्जिद में लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, वो लोगों को योगा सिखाते हैं, योगा। अब वो बाबा ने क्या किए, बॉर्डर पे गए और जितने भी फौजी थे हमारे मुल्क के, उनको जमा किए और उनको योगा सिखाने लगे वहां पे, फौज के लोगों को, आर्मी के लोगों जो बॉर्डर पे होते हैं, उनको योगा सिखा रहे हैं। तो मैं सोचने लगा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, तो हर मजहब के रहनुमा को इजाजत होना चाहिए कि वो भी आर्मी के जो जवान हैं उनको अपने अपने मजहब के बारे में सिखाए। जब एक बाबा योगा सिखाता है, तो किसी मौलाना को ले जाके उनको नमाज भी सिखाने लगाना चाहिए और फायदे बताना चाहिए कि भाई नमाज पढ़ने के ये फायदे है, नमाज पढ़ने से आदमी को आत्मसंतुष्टि मिलती है, आदमी को जो है अंदर से जो उसका सोल है उसको एक स्पिरिचुअल जो है उसको अंदर से पीस मिलता है, उसको जो है नमाज पढ़ने से ये फायदे होते हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल क्या क्या फायदे हैं, एक मुसलमान भी उनको बता सकता है। जब तुम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई सारे मजहब यहाँ पे बराबर है, तो फिर तुम एक मजहब के रहनुमा को क्यों इजाजत दे रहे हैं कि वो बॉर्डर के ऊपर जवानों को योगा सिखा सकता है? तो दूसरों को भी बुलाना चाहिए, एक पादरी साहब को भी बुलाना चाहिए चर्च के, वो भी वहां पे लोगों को कुछ सिखाए, एक आलिम साहब को, अल्लाह वाले को, मौलाना को, बुजुर्ग को भी बुलाना चाहिए कि वो भी नमाज के फजाइल बताए, नमाज के बारे में उनको बताए। जब तुम एक को बुलाएंगे और दूसरों को नहीं बुलाएंगे, इसका मतलब क्या है कि तुम बात कर रहे हो सेक्युलरिज्म की, मगर काम कर रहे हो कम्युनलिज्म का, तो फिर कैसे बात चलेंगे?
آج یہی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ بات ایک کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام دوسرے ہو رہے ہیں. آج جانوروں کی قربانی پر پابندی لگانے کی وجہ سے دیکھو آپ نقصان کتنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکولرزم کہتے کسے ہیں, یہ ہوتا ہے لوگوں کے سوچ کے اوپر, لوگوں کے کھانے پینے پہ زبردستی نہیں ہوتا. ان سے اچھے تو امریکہ میں حکومت کرنے والے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہا ہمارے ملک کے اندر ہر رہنے والے کو پوری پوری آزادی حاصل ہے, اگر کوئی عورت ہمارے ملک میں برقع پہننا چاہتی ہے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور کوئی عورت اگر ہمارے یہاں پر بغیر برقعے کے گھومنا پھرنا چاہتی ہے تو اس پہ بھی ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں, پوری پوری ہمارے یہاں پر آزادی ہے. ہم کسی کے اوپر زبردستی اپنے حکم کو تھوک نہیں سکتے, مگر ہمارے یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ ہماری گورنمنٹ لوگوں کے کھانے پینے کے اوپر بھی روک لگانا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں نے وہ کھانا جو ہم کہے اور لوگوں نے وہ پینا جو ہم کہے. تو یہ کیا ہے, لوگوں پہ ظلم و ستم نہیں تو کیا ہے؟ آپ دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن ملکوں کی پوری اکنامی جو ہے وہ صرف اور صرف گائے کے گوشت کے اوپر چلتی ہے, پورا کا پورا نظام وہاں پہ. دنیا میں سب سے بڑا جو گوشت کا سپلائی کرنے والا ملک ہے وہ برازیل ہے. برازیل کے اندر انسانوں کی آبادی کم ہے اور گائیوں کی آبادی زیادہ ہے. وہاں پہ ہر انسان کا, ہر آدمی کا, اس کا خود کا دو دو ہزار, تین تین ہزار, ایک ایک ہزار گائیوں کا جو ہے وہ ریوڑ بنا ہوا ہے. وہاں پہ باضابطہ گائیوں کی پیدائش کی جاتی ہے, پرورش کی جاتی ہے, افزائش کی جاتی ہے, ان کو کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے, اور بعد میں ان کی کٹنگ کر کے ان کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ پوری دنیا میں اس کو سپلائی کرتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ گائے نہیں پائی جاتی جہاں پہ لوگ پال سکتے ہو. تو دنیا میں دوسرے ملک جو ہے وہ یہ چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی گوشت سپلائی کرو, پرورش کرو جانوروں کی, ان کا دودھ سپلائی کرو. آپ اگر عرب ملکوں میں جائیں گے تو عرب ملکوں میں کچھ پیدا نہیں ہوتا. یہ جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, اس کے علاوہ اس کے اطراف میں جو ملک ہے کویت وغیرہ, عراق اور دوسرے تمام ملکوں میں بہت ہی کم وہاں پہ کسی چیز کی پیداوار ہوتی ہوں گی, یا زیادہ سے زیادہ اگر وہاں پہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ کھجور کی پیداوار ہے. اس کے علاوہ ان کو باقی تمام چیزیں دنیا بھر سے منگا کر استعمال کرنا پڑتا ہے. ان کے یہاں پر گوشت باہر سے آتا ہے, سبزی ترکاری باہر سے آتی ہے, آٹا باہر سے آتا ہے, ہر چیز, یہاں تک کہ بعض جگہوں پر پینے کا پانی بھی باہر سے آتا ہے ہر چیز, کیونکہ وہ لوگ ریگستان کے اندر تو خود سبزیاں ترکاریاں نہیں پیدا کر سکتے. ایسے ہی گوشت کا مسئلہ ہے. تو وہ ملک جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم لوگ گوشت کی پیداوار زیادہ سے زیادہ کر کے اس کو دوسری طرف بھیج سکتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, گائیوں کی پیداوار بڑھائی اور اس کے بڑے بڑے انہوں نے ریوڑ کیے. جیسے برازیل دنیا کا سب سے بڑا گائے کے گوشت کا سپلائر ہے, اور پھر ان کے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ اس سے کہ ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جتنی گائیوں کی پرورش کریں گے بعد میں ان کو پیک کر کے باہر ملکوں میں بھیجیں گے, تو جو پالنے والے ہیں, جو ذبح کرنے والے ہیں, جو ان کو بھیجنے والے ہیں, ان کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے. تو دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے مگر ہمارے ملک کا الٹا حال ہے. ہمارے یہاں پر ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کے کھانے پینے پہ بھی کنٹرول رکھے کہ لوگوں نے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے وہ ہم طے کریں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے یہ فیصلے کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہزاروں لوگ جو بیچارے روزگار سے تھے, جو جانوروں کی تجارت کیا کرتے تھے, جانوروں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے, آج وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کسان لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کسانوں کے پاس میں دو آپشن ہوتے ہیں, ایک تو ان کے پاس میں جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں,
और दूसरा खेती बाड़ी होती। अब खेत में किसानों ने बीज पेर दिया, बीज बो दिया, वो इंतजार करते हैं, उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि इंशाल्लाह बारिश होगी तो खेत के अंदर पैदावार होगी, पैदावार होगी तो हमारे अखराजात जरूरियात पूरी होंगी। अब बारिश होने का नाम नहीं है। जिन लोगों ने अपने खेतों के अंदर हजारों रुपये खर्च करके कपास लगाई थी, सोयाबीन लगाया था, गन्ना बोया था, अब तीन तीन महीने जब बारिश ही नहीं हो रही है तो उनके खेत में से क्या निकलेगा। इसलिए कि मूंग और सोयाबीन जो है उसको कंटिन्यू पानी लगता है और 40 दिन के अंदर तो वो खेत से फारिश भी हो जाती है। जो लोग मूंग और सोयाबीन पेरते हैं उसको पेरने के बाद में सिर्फ 40 दिन का वो पीक होता है, 40 दिन के अंदर तो वो उसका उसको तोड़ भी देते हैं और निकल भी जाता है वो खेत के अंदर। अब 40-40 दिन बारिश ही नहीं हो रही है तो किसान कहाँ से पैसे लेकर आएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने देखे कि बारिश नहीं हो रही है और खेत में जो है नुकसान हो रहा है तो फिर ये लोग जानवरों को बेचने का काम करके अपनी गुजर बसर चलाते। चलो भाई अपने पास जानवर है, एक दो बछड़े हैं, गाय है, बैल है, अब वो बाजार में लेकर जाते हैं, उसे बेचते हैं, जरूरतमंद लोग उसको खरीदते हैं और खरीदने के बाद में जो है वो अपनी जरूरत उससे पूरी करते हैं, उसको दुबाह करते हैं या फिर उसको खेती के काम में इस्तेमाल करते हैं, और जो बेचने वाला था उसको दो पैसे का फायदा हो जाता है और उसके उससे उसके घर की जरूरियात चलती है। अब इन्होंने क्या किया, वो पूरे के पूरे जानवर पे ही जड़ से इन्होंने पाबंदी लगा दी। तो जो बेचारा किसान जो था उसको पालने वाला, उसने करना तो क्या करना, अब उसके पास में 8-10 जानवर है, वो बाजार में लेके भी जा रहा है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि खरीदने वाला खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, उसको जरूरत ही नहीं है खरीदने की। अब जब जानवर नहीं बिक रहा है तो इसके घर की जरूरियात कहाँ से पूरी होंगी। एक तो खेत में, खेत से तो अभी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं है। उस वजह से किसान और जो शेतकरी लोग हैं बेचारे वो खुदकशियां कर रहे हैं। एक औरत ने इसलिए खुदकशी की कि उसने आटे का डब्बा जब खोली तो उसके आटे के डब्बे में सिर्फ 2 रोटी का आटा था और उसके 4 बच्चे थे, तो वो ये सोचने लगी कि 2 रोटी में मैं किसको खिलाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, अपने शोहर को खिलाऊंगी या खुद का पेट भरूंगी। उस वजह से उस औरत ने क्या किया, उसने जहर पी ली और उसी टाइम पे उसका इंतकाल हो गया। बाद में मालूम ये हुआ उसके खुदकशी करने की वजह ये थी कि घर में अखराजात के लिए पैसे नहीं थे, और कहाँ से पैसे आते, खेत में कुछ है नहीं, जानवर जानवर है तो उसको बेच सकते नहीं क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सरासर मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि दूसरे जो आम लोग हैं बेचारे उनके ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म और सितम कि आपने एक जानवर के ऊपर पाबंदी लगा दी, ना मुसलमान उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, ना बेचने वाले उसको बेच सकते हैं, लोग परेशान हाल हो चुके हैं। और सब हमारे यहाँ पे उल्टा निज़ाम है, हमारे यहाँ पर अगर कोई इंसान किसी इंसान को मार दे तो वो गवर्नमेंट के नज़दीक इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कानून बनाई है एक जानवर को ज़ुबा करने के ऊपर। अगर आपने गाय को ज़ुबा कर दिया तो वो इंसान को ज़ुबा करने से बड़ा गुनाह हो गया। और लोगों ने क्या किया, बेचारे जो गरीब लोग थे वो क्या करेंगे भी क्या कर, ना जानवर को ना गाय को बेच सकते हैं और ना ही उसको जो है ज़ुबा करके उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। आप दूसरे मुल्कों में अगर देखेंगे तो वहां पे लोग इन्हीं जानवरों से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, इनकी तिजारत करके, इनका गोश्त बेच के, मगर हमारे यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है इनको आवाम से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई फायदा नहीं है गरीबों से, जानवरों की तिजारत करने वालों से। उनको मालूम है कि इनके फायदे के लिए अगर हमने कुछ किया भी है तो हमारा क्या फायदा है, तो इसके लिए वो किसके फायदे की सोचते हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उन लोगों के फायदे की इनको फिक्र है कि भाई उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, आवाम के फायदे से इनको कुछ लेना देना नहीं है कि मुल्क के अंदर
लाखों मुसलमान, लाखों लोग वो जो जानवर पे पाबंदी होने की वजह से आज कुर्बानी नहीं कर सक रहे, लाखों वो तिजारत करने वाले बेचारे जो साल भर ये सोचकर रहते थे कि बकरीद का मौका आएगा तो कुछ जानवरों को इधर से खरीद के उधर बेचेंगे, दो पैसे का अपने को फायदा होगा, और हजारों लोग ऐसे हैं बेचारे जो उनको जुबा करने वाले होते थे, आज वो बेकार हैं। इसलिए कि जो जुबा करने वाले होते थे वो क्या करते थे, जैसे गांव खेड़े के जो जुबा करने वाले, वो लोग बॉम्बे जाते थे, पूना जाते थे, दूसरे बड़े शहरों में, ये उम्मीद से जाते थे कि वहां पर हम जानवर जुबा करेंगे, तीन चार दिन वहां पे रहकर आते थे तो उनका भी महीने भर का घर का जो है खर्चे पानी का इंतजाम हो जाता था। मगर ये पाबंदी की वजह से हर जगह पे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम तमाम लोग भी इसके लिए दुआएं भी करें और दुआओं के अलावा कोशिशें भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा एक रास्ता निकाले, कोई ऐसा एक रास्ता पैदा करे जिसकी वजह से लोगों की तकलीफ भी दूर हो, कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी करने में भी आसानी हो, और जो बेचारे गोर गरीब लोग जिनका गुजर बसर इसके ऊपर चलता था, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता पैदा फरमाए। करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए दुआ। अब दूसरी चीज ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आ गया है अभी फिलहाल कि ये पाबंदी होने की वजह से वो बहुत सारे लोग जो हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी किया करते थे, वो जो रुके हुए हैं उनकी कुर्बानी माफ नहीं होगी। इसलिए कि अक्सर जगहों पे ये देखने में आया है, अक्सर लोगों अक्सर जगह पर कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में एक बकरा खरीद लिए। अरे बोले आप बैल तो खरीद नहीं सकते, गाय तो खरीद नहीं सकते, तो फिर क्या करना है? तो फिर बोले एक बकरा खरीद लो। पूरे घर की तरफ से उन्होंने एक बकरा खरीद लिया। मान लो एक घर में चार भाई थे, उनकी चारों की तरफ से एक बकरा उन्होंने खरीद ली। एक घर में आठ दस मेंबर थे, उनकी तरफ से भी उन्होंने एक बकरा खरीद लिए, और अब वो मुतमईन हो गए कि हमारे सबकी तरफ से कुर्बानी अदा होगी। इस तरीके से कुर्बानी नहीं अदा होती। मैंने पिछले जुमा को पूरे डिटेल के साथ में ये मसला बताया था कि कुर्बानी हर एक उस मुसलमान के ऊपर वाजिब है जिसके पास आज के मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से 16,500 रुपये या 17,000 रुपये तक है, क्योंकि चांदी का रेट एकदम नीचे आ चुका है, 32,000 रुपये किलो चांदी बिक रही है। उस हिसाब से अगर हमने 52.5 तोले का हिसाब लगाए तो वो 16,500 रुपये तक होते हैं। हर वो मुसलमान जिसके पास में जिसकी कैपेसिटी है समझो 16,500 रुपये, और ये 16,500 रुपये कैसे बनेंगे? देखो ज़कात का जो निसाब है वो अलग है, और कुर्बानी का और सदकतुल फितर का जो निसाब है वो अलग है। ज़कात का निसाब कैसा है? ज़कात का निसाब ऐसा है कि आपके पास में सोना, चांदी, कैश या तिजारत का माल, इन सब को जोड़कर अगर आपकी मुड़ी 52.5 तोले चांदी से ऊपर होती है या वहां तक पहुंचती है तो आप साहिब निसाब होंगे और आपको साल गुजरने पे ज़कात देना पड़ेगी। लेकिन कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी में सोना, चांदी, कैश, उसके अलावा आपके पास आपकी जरूरत से ज़ाइद जो चीजें हैं उनको भी मिलाया जाएगा। ज़कात में तो ऐसा है, आपके पास में एक घर के दो घर हैं, मान लो आपने एक घर किराए से दिया हुआ है तो ज़कात नहीं होगी उसकी, बल्कि उसकी जो इनकम होगी, जो आमदनी होगी, उसके ऊपर ज़कात होगी। आपका टैक्सियों का कारोबार है, 8-10 रिक्शे हैं आपके पास जो किराए से दिए हुए हैं, वो रिक्शों पर ज़कात नहीं फ़र्ज है, लेकिन रिक्शों की जो इनकम होती है आपको रोज़ाना, तो जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे वो पूरे रिक्शों की इनकम का भी आप टोटल मारेंगे, तो उनकी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। मगर कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी में अगर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़ाइद जो चीज़ें हैं उनका भी हिसाब लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिक्शे के दो रिक्शे हैं, एक रिक्शा आपका किराए से दिया हुआ है, तो वो रिक्शा जो है वो आपकी ज़रूरत से ज़ाइद है,
अगर उसकी कीमत 16,500 रुपये से ऊपर है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। आपके पास घर में बहुत सारे बर्तन हैं, जैसे हमारे घरों में उमूमन होते हैं, जिनका हम सालों तक इस्तेमाल नहीं करते, जैसे तांबे के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बड़े बड़े देगचे होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, बहुत सारे जो शोकेस के अंदर सजाए हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर होती है जो शोकेस वगैरह में रखी हुई होती है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, वो सब ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें। अब आपने अगर उनका भी टोटल मारा और पता चला कि 16,500 से ऊपर है, तब भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी। अब लोग कुर्बानी में एक काम क्या करते हैं, दूसरा मिसाल के तौर पे घर में अगर 5-6 मेंबर हैं तो वो लोग ये पूछते हैं, अरे बोले पिछले साल हमने अब्बा के नाम से कुर्बानी दिए थे, ये साल किसका नाम डालने का, ये साल हमारे अम्मी का नाम डाल दो। अरे बोले पिछले साल हमने बड़े भाई के नाम से दिए थे, ये साल किसके नाम से देंगे, इस तरीके से कुर्बानी नहीं अदा होंगी। 4 भाई अगर है तो चारों की कमाई देखी जाएंगी, कि चारों के पास में अगर चारों साहिब निसाब है तो चारों पे कुर्बानी वाजिब। चारों भी अगर कुर्बानी के निसाब में आते हैं, आप एक बकरा जुबा करके पूरे घर की तरफ से कुर्बानी नहीं अदा कर सकते। आप एक हिस्सा रख के पूरे चारों भाइयों को, पूरी फैमिली को उसमें शामिल नहीं कर सकते, उनकी भी इनकम देखी जाएंगी। अगर उनके पास में भी 16,500 से ऊपर का वैल्यूएशन होगा, उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होंगी। जितने मेंबर होंगे आपको उनकी तमाम की तरफ से कुर्बानी अदा करना पड़ेगी। यहां तक कि हमारे घर में जो माँ बहने हैं उनके पास में सोने चांदी के जेवरात है, अब वो माँ बहने जो है उनके जेवरात का भी हिसाब लगाया जाएगा। अगर उनके पास में इतने जेवरात है जिसकी कीमत 16,500 रुपये से ऊपर होती है, तो हमारी उन माँ बहनों को भी कुर्बानी अदा करना पड़ेगी, उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, आपको उनकी तरफ से भी कुर्बानी देना पड़ेगी, उनका भी नाम आएगा कुर्बानी की लिस्ट के अंदर। आपको हिसाब करना पड़ेगा, अपनी अहलिया है उनकी तरफ से जो भी है। यहाँ तक के कुर्बानी के मसाइल में ये है, अगर कोई नाबालिग बच्चा है और वो भी साहिब निसाब है, अगर उसके पास में भी 16,500 रुपये से ऊपर की कोई चीज़ है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब। और एकदम मोटी बात है, हमारे ज़माने में बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये की गाड़ियां चलाते हैं, कुर्बानी वाजिब है उनके ऊपर, इसलिए कि वो उनकी ज़रूरियात से जायद वाला सामान। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास खुद के पैसे होते हैं, बच्चों के पास में भी, या बहुत सारे यतीम ऐसे होते हैं उनके वालिद का इंतकाल हो गया लेकिन मीरास में उनके पास इतना माल आया हुआ होता है जिसकी वजह से वो यतीम साहिब निसाब बन जाता है, उसके तरफ से भी कुर्बानी करना पड़ेगी, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुर्बानी जो है हम पहले देखें कि मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये गाय पे पाबंदी लगने की वजह से सैकड़ों लोग ऐसे हैं, या हज़ारों लोग बोले तो चलेगा, जिन लोगों ने पूरे घर की तरफ से बकरा खरीदा हुआ है और वो पूरे मुतमईन हो चुके हैं कि नहीं, अब मेरे तो पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई, अब मुझे कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं, कुर्बानी नहीं अदा होगी। ऐसे एक बकरा आपने लाया है वो सिर्फ एक हिस्से के लिए काफ़ी है, बाकी जो घर के मेंबर है आपको उनकी तरफ से कुर्बानी अदा करना पड़ेगी, तमाम मेंबरों की तरफ से, जो साहिब निसाब है उनकी तरफ से। और मैंने अभी बताया कि निसाब वाला आदमी कब बनता है, वो हर आदमी अपना हिसाब करे, हाँ अगर वो कर्ज है उसके ऊपर कर्जा है, और वो मकरूज है जिसके ऊपर कर्जा है वो मकरूज है, तो वो अपने कर्जे को उसमें से माइनस करेगा कि भाई उसके ऊपर कर्जा कितना है, वो अपने कर्जे को उसमें से माइनस करें, और माइनस करने के बाद में फिर वो बाकी देखे कि 16,500 रुपये तक मेरे पैसे जाते हैं या नहीं। अगर कर्जे को माइनस करने के बाद में भी उसके पास में जो मुड़ी है वो 16,500 रुपये तक अगर जाती है, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसको कुर्बानी करना पड़ेगी।
अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कर्जे के मामले में याद रखो एक मसला मैं बहुत अहम आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ होता है, किसी ने होम लोन लिया हुआ है 30 लाख रुपए का, और बहुत से जो बिल्डर होते हैं बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 10-10 करोड़ का लोन लेते हैं बैंकों से। अब एक बिल्डर है उसके पास में कैश में 10 लाख रुपए और सोना चांदी वगैरह मिला के 15 लाख रुपए उसके पास में है, पड़े हुए हैं। अब वो जब हिसाब निकाल लगाने के लिए बैठेगा तो उस टाइम पे उसके ऊपर कर्जा होगा कितने लाख, कितने करोड़ का, 10 करोड़ का, और उसके पास में तो 15 लाख रुपए ही है। तो 15 लाख में 10 करोड़ का जब वो कर्जा निकालेगा तो वो बेचारा खुद इतना गरीब हो जाएगा कि वो ज़कात का मुस्तहिक होगा। समझे कि नहीं समझे आप? एक बिल्डर ने 10 करोड़ का कर्जा लिया हुआ है लेकिन उसके पास कैश में 15 लाख रुपए है अभी, मगर वो ज़कात निकालने के लिए बैठा हुआ है। तो उसने हिसाब किया, उसने बोला मेरे पास कैश तो 15 लाख है मगर मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है बैंक का, तो वो 10 करोड़ का कर्जा जो है 15 लाख में से माइनस करो। तो अब उसकी हालत ये हो गई कि ये खुद ज़कात का मुस्तहिक हो गया। तो याद रखो जो लोग बैंक से लोन उठाते हैं वो इस तरीके से कर्जे को माइनस नहीं करेंगे। जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है वो जिस वक्त में ज़कात निकालने के लिए बैठेंगे या कुर्बानी का निसाब देखने के लिए बैठेंगे उस वक्त में वो सिर्फ अपनी 11 महीने की जो किस्तें हैं, जो एक साल जिसमें आप जो बैंक को अदा करने वाले हैं बस उसको ही माइनस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 10 करोड़ का भी कर्जा लिया हुआ है तो वो हिसाब करेगा कि भाई मुझे बैंक की जो मंथली किस्त है वो मुझे देना है 1 लाख रुपए। अब उसका उसने साल भर का जोड़ा तो 12 लाख रुपए हुए। अगर 15 लाख उसके पास में है तो उसके जो कैश है 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उसमें से 12 माइनस करेगा तब भी इसके पास कितने बचेंगे, 3 लाख बचेंगे। अब वो 3 लाख की उसको ज़कात देना पड़ेगी और कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब होंगी। इस तरीके से कर्जे को माइनस किया जाएगा, आपका एक साल के अंदर जो आपको अदा करना है आप उसको माइनस करेंगे, आप पूरा जो टोटल है पूरा जो कैपिटल है उसको माइनस नहीं करेंगे। अगर उसको माइनस करने जाएगा आदमी तो फिर वो जो है वो खुद बेचारा ज़कात का मुस्तहिक होगा, उसको ज़कात देने की नौबत आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कर्जे को माइनस करें, वरना बहुत सारे लोग हैं। एक साहब मेरे पास मसला पूछने के लिए आए, बोले मौलाना मेरे पास में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये कैश है और सोना वगैरह मिला के तकरीबन 90 हज़ार या 1 लाख रुपये तक मेरे पास में टोटल होता है मगर मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपये कर्जा है। मैं बोला ईमानदारी से बोलो, तुमने पिछले साल भी ये मसला पूछे थे मेरे, तुम पिछले साल भी आए थे कि 2.5 लाख कर्जा है, ये कब से है? मैं बोला 1947 से है क्या, कि हर साल 2.5 लाख रुपये कर्जा रहता तुम्हारे ऊपर, या तुमने नियत करके बैठे हुआ है कि ये 2.5 लाख अदा करने का च नहीं अपने को कब्र में जाने तक। जब भी ज़कात देने का मसला आएगा या कुर्बानी करने का मामला आएगा तो ये अमाउंट मैं ऐसे ही रखूंगा बताने के वास्ते कि मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपये का कर्जा है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं 10-10 साल से उनके ऊपर एक अमाउंट बैठा हुआ है फिक्स है कि इतना मेरे ऊपर कर्जा है। अरे भाई वो कर्जे को आप माइनस नहीं करेंगे, आप उस कर्जे को माइनस करेंगे जो साल भर में आपको अदा करना है। कितने दिन में अदा करना है भाई? साल भर में अदा करना है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होंगी। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग बिस्ती के अंदर पैसे डालते हैं। अब मिसाल के तौर पे कुर्बानी का मौका आया है, कोई महीने को 5,000 रुपये की बिस्ती डालता है, अब वो पिछले 11 महीने से डाल रहा है, उसके नाम की चिट्ठी अभी तक निकली नहीं, उसने 55,000 रुपये वहां पर जमा कर दिए हुए हैं और जब कुर्बानी का मौका आया तो उसके पास में कुछ भी नहीं है। उसने हिसाब किया जोड़ा तो 16,500 रुपये जिसमें निसाब होता है उतने उसके पास मौजूद नहीं है। तो इस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब होगी
इसलिए कि इसके जो 55,000 रुपये है वो इसको मिलने वाले क्या होने वाले हैं भाई, इसके एक जगह पे रखे हुए हैं, वो जो पैसा है ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो जाएगा, जाये हो जाएगा या कोई लेके जाएगा, उसके आने की उम्मीद है। इसलिए उलामा फरमाते हैं कि वो कर्जा जिसके आने की आपको उम्मीद है तो वो कर्जे के ऊपर भी आपको ज़कात अदा करना पड़ेगी, और आप अगर कुर्बानी का मौका है तो कुर्बानी अदा करना पड़ेगी, कुर्बानी आपकी माफ नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुर्बानी का फायदा देखो, कुर्बानी की फजीलत देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देते हैं, और जानवर के बदन पर जितने बाल है उतनी नेकियां मिलती है। ये कितनी बड़ी फजीलत है, ये फजीलत का मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए अब तक वो लोग जिन्होंने अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं अदा करे, वो बैठे हुए थे ये सोचते हुए कि नहीं, पूरे घर की तरफ से एक बकरा हो गया और पूरे बिरादरी की तरफ से एक हिस्सा हो गया तो उनकी कुर्बानी नहीं अदा होंगी। आप जो जो भी कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अभी 2 दिन कुर्बानी के बाकी है, आप ये 2 दिनों में बाजारों में अगर जाएंगे तो जो बेचने वाले व्यापारी होते हैं बकरों के रेट ऑलरेडी जो है नीचे आ गए हुए होते हैं। बकरे के जो रेट है, क्योंकि जो बकरों का डिमांड होता है वो कुर्बानी से पहले तक होता है, अब 1 दिन तो निकल गया, अब बचे हुए 2 दिन है, लेकिन मौका है आपके पास, इतवार के दिन असर तक मगरिब के पहले पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये 2 दिनों में अगर आप बकरा खरीदने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह जो बकरा पहले 10,000 में मिल रहा था वो आपको 7-8,000 रुपये में मिल जाएगा, उससे भी कम में मिल जाएगा, और अगर उससे कम में कोई मिल रहा था उससे कम में, ये एक छोटा सा अमाउंट है। या फिर हम क्या करें, बड़ा जो जानवर है, भले ही हमारी गवर्नमेंट ने गाय पे बैल पे पाबंदी लगा दी हो, भैंस अभी भी बाजार में मिल रही है, अभी भी अवेलेबल है। और क्योंकि क्या हो गया कि गाय बैल की लोगों ने उम्मीद लगा के रखे थे कुर्बानी तक कुछ मौका आएगा तो हम दुआ करेंगे, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई एक्शन नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने भी इजाज़त नहीं दी तो लोगों ने क्या किए, बड़े जानवर की तरफ से मुंह फेर के ज़्यादातर बकरों की तरफ जो मुड़ गए। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे बाजार लगे हुए हैं जहाँ पे लोग बड़े जानवर भी लेके बैठे हुए हैं। अब जो जानवर लोग 25,000 में 20,000 में बेच रहे थे, आपने अगर अपने दोस्त सहबाब के साथ मिलके एक 7 हिस्से तैयार कर लिए भैंस के अंदर भी या हेला जो रहता भैंस का उसमें भी, तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 12-15 हज़ार रुपये में आराम से जानवर मिल जाएगा और आप उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। 2 दिन है अभी, ये 2 दिनों में सिर्फ ये है कि हम थोड़ी सी उसके लिए कोशिश करें और ये देखें कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं होती है। अगर है वाजिब आपके पास तो फौरन इस बात की फिक्र करें, या तो फौरन बकरा लेकर आके उसको ज़ुबा करें, या नहीं बकरा तो और 2-4 साथी अपने साथ में तैयार करें और बड़ा जानवर जो है उसकी तलाश करें। बहुत सारी जगहों पर अभी भी बड़े जानवर मौजूद है, उसको ज़ुबा करें। लेकिन ये 2 दिन अगर हमारे ज़िंदगी से निकल गए और इतवार के दिन की मगरिब हो गई, उसके बाद फिर कोई भरोसा नहीं है हम अगले साल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगले साल की कुर्बानी करने का अल्लाह हमको मौका देगा भी या नहीं देगा। इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको दे रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा हासिल करने की फिक्र करें, कोशिश करें। मान लो अगर हमने 15,000 का भी जानवर देख के आए, 2-2 हज़ार रुपये भी एक एक के हिस्से में आ रहे हैं, तो आज के ज़माने में 2,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है, वो हमारी जान के सदक़े से ज़्यादा नहीं है। कुर्बानी आप अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी कर रहे हैं और वो जानवर आपकी तरफ से ज़ुबा हो रहा, आप पर आने वाली आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों के बदले में उसकी कुर्बानी की जा रही। तो इसके लिए फिक्र करें, कोशिश करें, अपने दोस्त अहबाब को मिलकर कोई ना कोई ऐसी तरतीब बनाए कि ये जो बचे हुए 2 दिन हैं, ये 2 दिन के अंदर हर आदमी ऐसा हो जो कुर्बानी करने की कोशिश करे। करेंगे इंशाल्लाह सभी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।